For information, consumption of alcohol and smoking are not permitted on all our flights. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी सोचा नहीं था कि उत्तराखंड से आए हुए सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं एंड अगेन माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड दिस टाइम डेस्टिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट. आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स हिमाचल प्रदेश एंड एट दिल्ली आई विल बी अकॉम्पनीड बाय वन ऑफ माय एमबीए कॉलेज फ्रेंड अर्नब. ही विल बी वेटिंग आउटसाइड एट दिल्ली एयरपोर्ट. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फ्लाइट लैंड. सो एज ऑलवेज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड. देयर ही कम्स. ऑलमोस्ट मीटिंग यू आफ्टर 2.5 इयर्स. हेलो, बहुत देर वेट करवाया वैसे. वी हैव टू गेट गोइंग बाय 7. सो जस्ट नाउ वी रीच्ड एट कश्मीरी गेट. ये है HRTC का बस स्टॉप जहाँ से हिमाचल का बस छोड़ता है और ये है हम लोगों का आज के लिए वॉल्वो बस. अंदर जाते हैं चलो. तो हम लोग अभी बीड बिलिंग से 2 घंटे पहले किसी जगह पे रुके हैं एंड दिस इज द AC वॉल्वो बस रन बाय HRTC. सीट्स आर क्वाइट कम्फर्टेबल, रिक्लाइनर भी है. बस इज लाइक क्वाइट गुड एंड क्वाइट कम्फर्टेबल द जर्नी इट वॉज. सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीड विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया. तो मैं और अर्नब अभी जस्ट पहुँचे. ये है हम लोगों का पीछे होटल स्काई ड्राइवर जो है बिलिंग के लैंडिंग पॉइंट पे. और आप ऊपर देख सकते हो बहुत सारा पैराग्लाइडिंग ऑलमोस्ट चालू है. होटल से ही आपको दिखेगा. और आज प्लान है हम लोग पैराग्लाइडिंग भी करेंगे एज पर द वेदर रिपोर्ट. ठीक ही है वेदर. दिस इज़ बेसिकली इन द तहसील ऑफ बैजीनाथ. तहसील का मतलब है लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन एंड ये डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश. अब बैल्कनी से पूरा व्यू देख लो और ऊपर देख सकते हो पैराग्लाइडिंग चालू है. दिख रहा है छोटा सा. तो हम लोग अभी जा रहे हैं बिलिंग जहाँ से हम लोगों का टेक ऑफ पॉइंट होगा पैराग्लाइडिंग का और बीड पे आके लैंड होगा. ये होटल के पीछे ही इसका लैंडिंग पॉइंट है. तो 14 किलोमीटर जाना पड़ेगा. उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं. बाकी 2-3 लोग और ज्वाइन करेंगे हम लोगों के साथ. बुकिंग कहाँ से किया हम लोगों ने? मैट्रिक. ओके, आई हैव गॉट गुड रिव्यूज़ अबाउट मैट्रिक. तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वहाँ से किए हुए ऑलरेडी, तो उनका अच्छा रिव्यू है कि वो अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. सेफ्टी प्रोटोकॉल अच्छा है उनका. पायलट्स भी बहुत एक्सपीरियंस है. और बोलते बोलते देख सकते हो ऊपर पैराग्लाइडिंग चल रहा है. मेरे को दो दिख रहा है. ऊपर स्टंट चल रहा है बेसिकली इधर से उधर लेफ्ट राइट. तो हम लोग अभी है बीड के लैंडिंग पॉइंट पे. आप देख सकते हो एक दो तीन लगातार लैंड हुआ यहाँ पे. मैं थोड़ा और क्लोज POV शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वैसे तो हम लोग 5 लोग हैं. आते टाइम यहाँ पे और 3 लोग मिल गए फ्रॉम मुंबई. पटना से 2, कोलकाता से 2, महाराष्ट्र से. सो जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. कुत्ता लॉर्ड वो जीत बोरे. फर्स्ट टाइम राइट? सबका फर्स्ट टाइम. यस. चलो अभी अर्नब थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से कैसे हम लोग को फुटेज मिलेगा. वैसे हम लोग के पास GoPro है. अंकुर अभी साइन कर रहा है जो बॉन्ड है उसके ऊपर कि ऊपर अगर कुछ हो जाए तो हम लोग खुद जिम्मेदार है. सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. मौत का फरमान है ये. मौत का फरमान ऐसा मत बोलो. मैडम जी आपका हाथ तो नहीं कांप रहा है ना लिखते थे? मतलब ये फरमान है ना. डराओ मत यार. तो जैसे कि देख सकते हो पूरा गियर पूरा पैक्ड अप हो गया है. और ये लॉक मॉक लगा रहे हैं मेरा पायलट. भाई साहब नाम क्या है? रोहित. आपका? शुभदीप. एक सेकेंड. तो सब लोग अभी वेट कर रहे हैं कब हवा आएगा, उसके बाद हम लोग टेक ऑफ करेंगे. क्योंकि हवा नहीं है तो इतना अच्छा स्मूथ टेक ऑफ नहीं होगा. एनर्जी से. अरे किसी और को भी बुला लो ना, वो हेल्प करेगा. फर्स्ट टेक ऑफ फेल हो गया. ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट. रन करो. ओके. Down from the heights that we have built all by ourselves, and there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel.
भैया का 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा वाला, हम लोगों को एकदम राइड करवाया, पूरा डर खत्म कर दिया। तो बेसिकली पूरा डर जो था पूरा खत्म हो गया, बिकॉज डर के आगे जीत है। ये है पूरा पैराशूट, चारों तरफ वायर ही वायर है, बट बहुत सेफ है, ट्रस्ट मी। स्टंट्स किया कि स्टंट किया थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा गोल गोल घुमा। हाँ, तो ये बंदा बहुत सही से लैंड किया है, हम लोग सब नीचे गिर रहे थे। तो अभी सब सेलिब्रेशन चल रहा है, पूरा एकदम डर के आगे जीत है वाला माहौल है। थैंक यू, बाय बाय बाय। तो मैं अभी अर्णव को बोल रहा था कि नॉर्थ बंगाल का जो हम लोग का डेलो है वहाँ पे बहुत अच्छा वाला पैराग्लाइडिंग होता है, बट अर्णव ने अभी बोला एशिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड वाला पैराग्लाइडिंग होता है, 7000 फीट, राइट? सो दैट इज क्वाइट अ गुड इन्फॉर्मेशन। जस्ट नाउ वी हैव रीच्ड एट सिल्वर लाइनिंग कैफे, जो डिस्टेंस है हवाना लहासा काबुल सबका लिखा है, और काफ़ी चिल वाइब्स है ओवरऑल। अंदर ये लोग सब ऑर्डर कर रहे हैं, हम लोग इधर भी बैठ सकते हैं और बाहर बैठ के भी चिल कर सकते हैं। कॉफी, टी, स्मूदी सब कुछ है, वन न्यूटेला बनाना स्मूदी, और बहुत सारा नोट्स भी है डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको मन करे कुछ रखने का तो उसमें रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैप की तरह भी इस्तेमाल करके हेलो सर कैसे हो। ये है हम लोग का न्यूटेला बनाना मिल्क शेक, कोई नहीं, खाने में टेस्टी लग रहा है, भूख लग रही है। दिस इज क्रीमी पास्ता भाई, एक और पास्ता मंगवा ले क्योंकि ये मैं पूरा अकेला चेप जाएगा। ओए, यू कैन जॉइन, चीयर्स। चीयर्स। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि हम यहाँ आके बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। Now which way do we go is the question to ask. There are so many choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake and the risk we have to take. Will we know what is throwing off our balance? Trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold. सो राइट नाउ वी आर एट हिमालयन पिज़्ज़ा कैफे, जो एकदम भीड़ के जो लैंडिंग साइट है वो बहुत नज़दीक है। रात का खाना आज यहीं पे खाना है, ये देख सकते हो पूरा जगह का वाइब्स। अभी के लिए वेदर प्रेडिक्शन सही है, बारिश रुक गया है, तो हम लोग निकलेंगे थोड़ा टुवर्ड्स बैजनाथ टेम्पल, और रास्ते पे 2-3 मॉनेस्ट्री भी देखेंगे, और बंजी जंपिंग भी करना है अगर वेदर ठीक रहा तो। सो वी आर हियर एट बैजनाथ टेम्पल, जो बेसिकली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इधर से एंट्री पॉइंट होकर में हम लोग इधर जाएंगे। सो इट्स बेसिकली अ नागारा स्टाइल टेम्पल व्हिच वाज बिल्ट इन द 8th सेंचुरी। मैं इसका हिस्ट्री पढ़ रहा था गूगल पे। आज क्राउड तो बहुत कम दिख रहा है, देख लो जो पूरा स्ट्रक्चर। Falling to your heart.
स्वामी मंदिर के चारों तरफ एक बार प्रदक्षिण कर लेते हैं। परिक्रमा जब होती है कि वहाँ से ही यहाँ तक आके वापस रिटर्न जाते हैं। तो मतलब ये साइड से आओ? नहीं, यहाँ पर आ गए ना आप, हाँ। फिर वापस पीछे जाके इधर आओ। अच्छा, कभी भी गंगा को क्रॉस नहीं करते, ये जो शिव गंगा जल। अच्छा, मुझे अजीब लगा कि यहाँ पे फोटो उठाने अलाउ कर रहा है, पर थोड़ा बहुत बोल रहा है कि वीडियो मत लो। तो अभी हम लोग शर्वलिंग मॉनेस्ट्री के बहुत नज़दीक है, तो अभी तो सब बंद है यहाँ पे। ये दिस इज बेसिकली इन द अपर भट्टू रीजन इन द बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट, एज यू कैन सी हियर। बहुत ही मस्त आ रहा है, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है उसी के लिए। तो देखा जाए तो काफ़ी पीसफुल एटमोसफियर है यहाँ पे, ये लोग पूरा पागलपंती कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने पूरा ढक लिया अपने आप को, बहुत ठंडा भी है और हवा चल रहा है ठंडा उसके साथ। हम बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं जी, बारिश हो और लुत्फ ना उठाओ तो क्या मजा। नहीं नहीं, आगे और भी जगह जाना है ना, तो न्यूमोनिया नहीं होना है। राइट, ही इज राइट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हाइल ट्रैवलिंग। क्या है, हम सख्त लौंडे, हमें कुछ नहीं होता। टाड़ा उड़ा उड़ा उड़ा। सो अभी हम लोग दोपहर के टाइम पे पहुंचे बीड़ के स्काई साइकिलिंग और बंजी जंपिंग पॉइंट पे। स्काई साइकिलिंग का पॉइंट, मेरे को तो पहली बार ये सुना कि ऐसा बोल के कोई स्पोर्ट्स होता है। चलो, इट्स काइंड ऑफ हाइक। दो पार्टिसिपेंट वहां से क्रॉस करके इधर साइकिलिंग पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। बेसिकली बैलेंस का गेम है, देखो वो बैलेंस कर रहे हैं, जैसे सर्कस में होता है ना वैसा वाला। बंजी जंपिंग का 2500 पर पर्सन, स्काई साइकिलिंग 1500, बर्मा ब्रिज है 800, मतलब जो ब्रिज आप लोगों को दिखा वहाँ पे सिर्फ चलना है। सो यू आर ऑल सेट रेडी टू डू द एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैं कर रहा हूँ बंजी जंपिंग, यू एयर साइकिलिंग। एयर साइकिलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है तो भीगने का चांसेस है। तो वहाँ से बंजी जंपिंग का पॉइंट है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन चल रहा है। अर्णव, क्या है बंजी जंपिंग? बंजी जंपिंग So let's introduce Vishal. इधर के बारे में बोलिए, मतलब क्या क्या यहाँ पे है आपको ऑफर करने के लिए टू टूरिस्ट, और लाइक कैसे रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो आप लोग यहाँ पे? हम बंजी जंपिंग करवाते हैं और स्काई साइकिलिंग। स्काई साइकिलिंग हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट स्काई साइकिलिंग है। लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ मतलब लेंथ? यस सर, ये 250 मीटर का है। बंजी की हाइट 50 मीटर है। 50, ओके। यस सर, और 40 मीटर का फ्री फॉल होता है। बंजी जंपिंग दिमाग पे आता है ना, सबसे पहला नाम ऋषिकेश का आता है। बीड़ बिलिंग इतना लोगों को सुनेगा नहीं सर, 3 ईयर हुआ सेटअप के लिए। अच्छा। तो बीच में कोरोना हो गया, सो इस करके ज्यादा मार्केटिंग में नहीं हो पाई एडवर्टाइजमेंट का कुछ। टाइगर टीम एडवेंचर, टाइगर टीम एक ही है यहाँ पे? यस, हिमाचल में ओनली टाइगर टीम एडवेंचर ही है। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको करवाता है। ओके, इसका ब्रांच भी है कहीं पे? सर यही ब्रांच अपना यहीं से। अच्छा, टाइगर टीम एडवेंचर। टाइगर टीम एडवेंचर पर जरूर आना और तीनों स्पोर्ट्स ट्राई करना, बर्मा ब्रिज पे वॉक, साइकिलिंग। साइकिलिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट मैंने फिर बंजी जंपिंग किया। मिलते हैं फिर से, थैंक यू। अभी तक से आज के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा है। यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया हो तो लाइक किए बना मत जाना, कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉम वेफेयर टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग ब्लॉग्स। और इसके बाद बेसिकली हम लोग काशोल और दोस्त जाएंगे, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। बिसाइड्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज @ymploy92। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।